हेलो फ्रेंड्स, एमजी बायोलॉजी पॉइंट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी पुष्प की संरचना। जैसा कि आप सब जानते हैं, पुष्प प्लांट का एक सबसे इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज फ्लावर यानी फ्लावर होता क्या है। फ्लावर के बारे में मैं आपको बताऊं कि फ्लावर जो होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यानी प्रजनन का भाग है। ये जो प्लांट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक क्रिप्टोगेम्स एंड एक फिनरोगेम्स यानी एक पुष्पीय पादप और एक अपुष्पीय पादप। तो जो फिनरोगेम्स प्लांट होते हैं जिसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आते हैं, तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उन एंजियोस्पर्म प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यानी लैंगिक जनन के लिए जो संरचना होती है वो फ्लावर होती है। प्लांट का बहुत ब्यूटीफुल पार्ट होता है, अट्रैक्टिव पार्ट होता है, और ये जो है स्ट्रक्चर ये लैंगिक जनन में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को यानी उनके संलयन के लिए जो भी एक्टिविटी यानी मैकेनिज्म होती है उन सबको अवेलेबल कराता है। इसे कॉमनली फ्लावर बोलते हैं, लेकिन कहीं भी इसे ब्लूम या ब्लॉसम से भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर यानी पुष्प का परिवर्धन, पुष्प बनता कैसे है। तो पुष्प के लिए रूपांतरित प्रहो यानी मॉडिफाइड सूट भी कहा जाता है। इसे मॉडिफाइड सूट कहा क्यों जाता है, क्योंकि जो पुष्प होता है वो इंटरनोड के संघनन से बनता है। मींस जो इंटरनोड होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, इसकी वजह से जो पुष्प होता है वो एक मॉडिफाइड सूट होता है। आपको मैं बता दूं, जो तना होता है वो पर्व और पर्व संधि यानी नोड और इंटर नोड से मिलकर बना होता है। इस जो नोड्स होती हैं उन नोड पर लीव्स लगी होती हैं, पत्तियां लगी होती हैं, और दो नोड्स के बीच का पार्ट इंटर नोड कहलाता है। तो जो तना होता है स्टेम, उसमें जो पर्व संधियां होती हैं वो दूर दूर होती हैं, तो वहां पर तने की लंबाई बढ़ जाती है। लेकिन जो पुष्प होता है वहां पर पर्व संधियां जो हैं यानी इंटरनोड्स जो हैं वो बहुत पास पास आ जाती हैं। बहुत पास आने की वजह से वह संघनित यानी कंप्रेस्ड दिखाई देता है, और उस पर लगी जो पत्तियां हैं लीव्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं फ्लावर पार्ट्स में। यानी पुष्प में जो संरचनाएं होती हैं वो हम कह सकते हैं कि वो सब एक रूपांतरित पत्तियां हैं यानी वो मॉडिफाइड लीव्स हैं। ये पुष्प के जो पार्ट हैं भाई दल दल पुमंग जायांग यानी कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनेसियम, ये सब जो पत्तियां होती हैं उन्हीं का ही रूपांतरण है। बस यहाँ पर इतना है कि इसकी जो पर्व संधियां हैं वो बहुत ज्यादा पास आ गई हैं, इसलिए हमें ये बिल्कुल संघनित दिखाई देता है। तो यही कारण है कि जो फ्लावर होता है उसको हम मॉडिफाइड सूट यानी रूपांतरित प्रो कहते हैं। पुष्प के परिवर्धन के बाद यानी डेवलपमेंट के बाद हम बात करते हैं फ्लोरल पार्ट्स की यानी पुष्पीय भागों की। तो मोटे तौर पर जो फ्लोरल पार्ट होते हैं, पुष्पीय भाग जो होते हैं, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वेजिटेटिव पार्ट्स जिसमें आते हैं पेटल्स एंड कार्पल्स, जबकि दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या सेक्सुअल पार्ट्स यानी जननिक भाग, जिन्हें में आते हैं पुमंग और जायांग। तो ये जो चार पुष्प के भाग होते हैं मुख्यतः बाह्य दल दल पुमंग और जायांग, ये जो चारों भाग होते हैं ये पुष्पीय चक्र भी कहलाते हैं। जो क्योंकि ये जो पुष्प में एक साइकिल की फॉर्म में, एक चक्र की फॉर्म में होते हैं। सबसे आउट में बाह्य दल, उसके अंदर दल और उसके अंदर पुमंग, और सबसे बीचों बीच में जायांग होता है। तो ये मेनली चार रिंग होती हैं, ये चारों रिंग पुष्प के पार्ट बनाते हैं, पुष्प का निर्माण करते हैं। ये एक स्पेशल अरेंजमेंट में भी जमा रहते हैं। तो हम इनके बारे में, चारों के बारे में बात करते हैं। जो पुष्प में बाहर वाले दो चक्र होते हैं यानी कैलिक्स और कोरोला, इन्हें हम पेरेंथ भी कहते हैं। तो जो पेरेंथ होते हैं उसमें कैलिक्स और कोरोला यानी पुमंग और सॉरी कैलिक्स और कोरोला यानी दल और बाह्य दल को पार्ट शामिल किया गया है। ये फ्लावर के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज की। आपने देखा होगा कि जो पुष्प होता है उसके सबसे निचला वाला भाग थोड़ा फूला हुआ होता है, जिसे हम पुष्पासन रेसेप्टेकल कहते हैं।
इस पुष्पासन पर ही ये सभी भाग जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहला भाग जो होता है वो कैलेक्स यानी भाहेदल पुंज होता है, सबसे बाहर वाला चक्र है ये, आउटर मोस्ट रोल है ये सबसे बाहर, इसे हम सेपल्स भी कहते हैं। मोस्टली ये ग्रीन कलर के यानी हरे कलर के होते हैं। ये जो होते हैं मुख्यतः जब एक फ्लावर कली अवस्था में यानी बड़े स्टेज में होता है तो उस दौरान ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो भाइदल होते हैं वो उसको कवर किए हुए रखते हैं, तो इससे जो फ्लावर पार्ट्स होते हैं अंदर वाले उनको प्रोटेक्शन मिलता है। उसके बाद जब फ्लावर खुलता है तो ये नीचे की ओर मुड़ जाते हैं। तो इस तरह से मेनली कैलिक्स जो होते हैं वो प्रोटेक्शन में काम आते हैं, लेकिन कई प्लांट की ऐसी भी स्पीसीज, कई स्पीसीज ऐसी भी हैं जहां पर ये अदर वर्क भी करते हैं। मोस्टली ये जब फ्लावर कंप्लीट मैच्योर हो जाता है और उसका आगे का डेवलपमेंट यानी फ्रूट सीड बनने लग जाते हैं तो ये जड़ जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जहां पर ये कंटिन्यू बने रहते हैं, जैसे सोलोनेसी फैमिली, आपने देखा होगा टमाटर बैंगन टोमेटो में कि वहां पर भाइदल लगातार जुड़े हुए होते हैं तो वो वहां पर नष्ट नहीं होते। इसके अलावा ये वर्ड्स और इंसेक्ट से भी प्रोटेक्ट करते हैं कुछ प्लांट्स में, जैसे हिबिस्कस ट्रियनम, तो यहां पर ये क्या करते हैं प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जो कैलिक्स होता है सबसे बाहर वाला पार्ट है, ग्रीन कलर का होता है और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। पुष्प का जो दूसरा चक्र होता है वो है दलपुंज यानी कोरोला। दलपुंज दलों से मिलकर बने होते हैं, ये जिन्हें हम पंखुड़ियां भी कहते हैं, बहुत पतली सॉफ्ट और कलरफुल होती हैं, साथ में इनमें खुशबूदार भी होती हैं यानी स्मेलिंग एबिलिटी भी इनमें पाई जाती है। जिन प्लांट में स्मेलिंग एबिलिटी यानी खुशबू कम होती है वहां पर जो दल हैं वो कलरफुल होते हैं। इसका मेन जो रीजन है वो ये है कि जो कीट परागित पुष्प होते हैं यानी जो पुष्प कीटों के द्वारा परागित होते हैं वहां पर कीटों को आकर्षित करने के लिए कोरोला जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, इस वजह से ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो कैलिक्स और कोरोला ये दो पादप के वेजिटेटिव पार्ट हैं जिन्हें हम पुष्प के सहायक चक्र भी कहते हैं। ये जनन में काम नहीं, डायरेक्टली काम नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये सहायक चक्रों में शामिल किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पुष्प के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की यानी जननिक भाग, जिन्हें हम आवश्यक चक्र भी कहते हैं। इसमें एंड्रोसियम और गाइनेसियम को शामिल किया गया है। तो तीसरा जो चक्र है वो है एंड्रोसियम यानी पुमंग। जो एंड्रोसियम होता है वो ग्रीक वर्ड एंड्रोस से लिया गया है। एंड्रोस का इंग्लिश में मतलब होता है मेंज हाउस यानी नर का घर, क्योंकि यहाँ पर जो है नर युग्मक बनते हैं। एंड्रोसियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यानी नर जनन तंत्र होता है। इसकी जो इकाई होती है वो होती है पुंकेसर। आप जान लें पुमंग और पुंकेसर दोनों एक ही है, बट पुंकेसर एक इकाई होती है जबकि पुंकेसरों का समूह पुमंग कहलाता है। तो जो पुंकेसर है इसकी हम सच की बात करें तो पुंकेसर के मेनली दो पार्ट होते हैं, पहला पुतंतु यानी फिलामेंट और दूसरा एंथर यानी पराकोश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिलामेंट की यानी पुतंतु की। पुतंतु एक पतली लंबी सिलेंडर शेप की संरचना होती है जो फिल्म लैटिन भाषा के वर्ड से आया है। फिल्म जो वर्ड होता है वो धागे के लिए आता है, थ्रिल्स, तो जो धागे के समान होता है इसलिए इसका नाम फिल्म यानी फिलामेंट पड़ा है। ये जो होता है पराग कोश को पुष्पासन से जोड़े रखता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पुष्प के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो पुष्पासन पे जुड़े होते हैं। तो जो पराग कोश होता है वो पुतंतु के द्वारा ही पुंकेसर जो होता है पुतंतु के द्वारा ही जुड़ा होता है पुष्पासन पर। जो पुंकेसर का सेकेंड पार्ट है वो है पराग कोश यानी एंथर। ये पुतंतु के टॉप पार्ट पर ऊपरी ऊपर एक फूली हुई घुंडी नुमा संरचना होती है। ये जिस जगह पर पुतंतु से जुड़ी होती है उसे हम कनेक्टिव यानी योजी भी कहते हैं। एक जो एंथर होता है यानी पुंकेसर पराग कोश जो होता है उसमें दो पालियां होती हैं।
ये दो पालियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जो जुड़ने वाला स्थान है वही योजी यानी कनेक्टिव भी कहलाता है। इसकी डिटेल आप नल इनपुट के परिवर्तन में भी देखें, ये मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, आप उसमें एक बार जरूर देखें। तो जो पराकोष होता है उसके अंदर लघु बीजाणु धानियां होती हैं, माइक्रोस्पॉन्जिया जो होती हैं, और उन्हीं के अंदर परागण के लिए परागकणों का निर्माण होता है। तो जो पुंकेसर होता है वो नर युग्मकों का निर्माण करने का कार्य करता है। तो ये पुष्प का तीसरा चक्र है और पहला आवश्यक चक्र है, ये आप याद रखें। दो आवश्यक चक्र होते हैं, एंड्रोसियम और गायनेसियम, पुमंग और जायांग। तो पुमंग जो होता है पहला आवश्यक चक्र है और तीसरा पुष्पीय चक्र है। अब सबसे अंत में जो चक्र आता है वो है गायनेसियम यानी जायांग, पुष्प का दूसरा आवश्यक चक्र और सबसे अंतिम पुष्पीय चक्र है ये। पुष्प के बीचों बीच में ये पाया जाता है। ये भी एक ग्रीक वर्ड गाइन से लिया गया है जिसका मतलब वही वोमेन होता है, वोमेन हाउस। तो यहाँ पर जो होता है मादा युग्म का निर्माण होता है, इसलिए इसको ये सब नाम दिया गया है। जिस तरह से पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है, उसी तरह से गाइनेसियम यानी जायांग की इकाई जो होती है वो होती है पिस्टल। यानी जो स्त्री केसर होता है उस स्त्री केसरों का समूह को हम जायांग कहते हैं। तो ये जो स्त्री केसर होता है नर जनन मादा सॉरी मादा जनन इकाई है और इसके अंदर मादा युग्म का निर्माण होता है। एक जो स्त्री केसर होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला पार्ट है इसका ओवरी, ओवरी जो लैटिन वर्ड ओवम से आया है यानी एग। इसके अंदर ही मादा युग्म बनता है। ये स्त्री केसर का सबसे निचला फूला हुआ भाग होता है। अभी आपको डायग्राम दिखाई देगा, उसमें आपको ये सब चीज संरचनाएं दिखाई देंगी। तो जो सबसे निचला फूला हुआ भाग है वो अंडाशय होता है। इस अंडाशय के अंदर बीजांड यानी ओव्यूल्स बनते हैं और बीजांड के अंदर मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमिटोफाइट बनते हैं। मादा युग्मकोद्भिद का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, कृपया आप उसको एक बार जरूर देख लें। तो वो जो बीजांड के अंदर मादा युग्मकोद्भिद होता है वो उसके अंदर ही मादा युग्मक होता है। तो ओवरी के अंदर ही वो मादा युग्मक बनता है। स्त्री केसर का जो दूसरा पार्ट है वो है वर्तिका। वर्तिका यानी स्टाइल जो होती है वो एक लंबी पतली नली ही होती है जो परागण की क्रिया के बाद जब परागकण इस स्त्री केसर पर आते हैं तो उन परागणों से पराग नली बनती है। वो पराग नली जो होती है इस वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक पहुंचती है। तो ये जो वर्तिका है वो पराग नली को अंडाशय तक पहुंचाने के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। कुछ फ्लावर ऐसे भी हैं जैसे ट्यूलिपा जिनमें ये नहीं भी होती, वहां पर डायरेक्ट पराग नली सीधे ही अंडाशय में पहुंच जाती है। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है वर्तिकाग्र स्टिग्मा। ये सबसे ऊपरी पार्ट होता है और थोड़ा फैला हुआ कटोरे जैसा होता है। परागण के दौरान जो परागकण आते हैं वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर ही एकत्रित होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो वर्तिकाग्र होती है वो परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करती है। साथ में वर्तिकाग्र पर कुछ चिपचिपा पदार्थ भी होता है जो परागकण के अंकुरण में भी सहायक होता है। तो इस तरह से स्त्री केसर के तीन पार्ट हैं। सबसे निचला पार्ट ओवरी, सेकेंड नंबर स्टाइल यानी वर्तिका, और सबसे ऊपर ऊपर स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र।